हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्ण, सीता राम, जय महाकाल, सत श्री अकाल। चलो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हाँ जी, यहाँ पर मैंने कल चावल और उड़द की दाल मैंने भिगोए हुए थे। 3-4 घंटे मैंने भिगो करके उसको मैंने रात को पीस के रख दिया था। अब मैं जब सुबह उठी हूँ चाय बनाने के लिए, किचन में गई तो देखा है एकदम से अच्छे से फूला हुआ था। ये मैंने इडली के लिए बनाया है, इडली या डोसा कुछ भी बनाऊँगी तो ये ऊपर तक एकदम आ गया था। आधा था ये बर्तन जिसमें डाला हुआ डोंगा, और जब सुबह उठ करके देखा तो एकदम ऊपर तक भर गया था, एकदम इतना अच्छा से खमीर बन गया था। तो अब मैं बनाऊंगी इसकी इडली या फिर डोसा, लेकिन इडली ही बनाने के लिए मैंने किया है। कुकर रख दिया है सांभर बनाने के लिए, उसके बाद बनाऊंगी चटनी। और कुकर सूख जाए धोया है, इसमें डालती हूँ फिर ऑयल। और आज बहुत सिंपल, बीच में अलार्म बजने लगा। और हाँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से सांभर बना रही हूँ। लौकी भी नहीं है, बैंगन भी नहीं है, लेकिन मैं खाली गोभी, गाजर और प्याज ये डाल करके बनाऊँगी। तो बस जी, देखिएगा। एक बार ये तड़का लगाऊंगी, एक बार बाद में लगाऊंगी। सर्दियों में गोभी वगैरह गाजर वगैरह आती हैं। अब डाल देते हैं तुअर की दाल, अरहर की दाल भी जिसको कहते हैं, कुछ लोग तुअर की दाल भी कहते हैं, कुछ लोग अरहर की दाल भी कहते हैं। पानी की कमी लगेगी, फिर उसके बाद दोबारा डाल देंगे, क्योंकि सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है।
ये मैंने कर लिया है नारियल इसमें कट। अब इसमें और क्या डालती हूँ वो दिखाती हूँ। मैंने रख दिया है फ्राई पैन, इसमें मैं मूंगफली रोस्ट करूँगी। हो गए हैं रोस्ट। इसको अब इसका छिलका जितना उतर जाएगा उतना डाल दूँगी, बाकी देख लूँगी। गर्म है, गर्म गर्म में निकल भी जाता है, कपड़े में डाल के करती हूँ। जितना छिलका निकल गया जरूरी नहीं है पूरा निकालना। एक हरी मिर्च डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है इसमें तभी पीसेगा। बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का। लगाने के बाद ऐसे हो गई है तैयार ये चटनी नारियल और मूंगफली की, मूंगफली सांभर भी हो गया है तैयार। सांभर को अब लगा देते हैं तड़का। इसमें भी सरसों, धनिया, जीरा थोड़ा ज़्यादा। लाल मिर्च कड़ी लीव्स अब डाल देते हैं। प्याज और हरी मिर्च यह है। इमली का पल्प मैंने निकाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा खट्टा बंद करने के लिए इसमें मैं डाल देती हूँ इमली का पल्प। और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें गरम मसाला। सॉरी ये डाल दिया गरम मसाला। डाल देते हैं देगी मिर्च, ये भी ख़त्म हो गई है। नया पैकेट खोलूँगी। लो जी हो गया हमारा सांभर का तड़का तैयार। अब इसको मैं डाल देती हूँ इसमें और इसको कर दूँगी मैं कवर। लो जी हो गया सांभर तैयार।
थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर, थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। करती हूँ, बहुत ही आराम से निकल गई। लो जी, हो गया मेरा इडली सांभर चटनी तैयार। लो जी, अब खा लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का टाइम देखो मेरा, 11:30 12 होने लगे हैं।